गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज संदीप केसरवानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी अप्रोच में। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसी तरह से एक्सेलरेशंस क्या होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशंस क्या होते हैं, डिराडेशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज हमारा जो एक फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर 1 है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। देखो, मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहले हम कुछ टर्मोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो पोजीशन है। ठीक है, पहले आगे हम पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि पोजीशन बेसिकली होता क्या है, पोजीशंस का होता क्या। सर, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो दिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। आगे बात समझे, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ। ठीक है, और इस ओ से ए के बीच की जो डिस्टेंस है 3 मीटर है। सेम टू सेम यहां पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इसका नाम हम दे देते हैं, ये हमारा नाम है बी। ये 4 मीटर डिस्टेंस पे है और यहां पर हम डायरेक्शंस को शो कर देते हैं, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। अब यहां पे देखो एक बार पॉइंट कि जो पॉइंट ए है, मतलब व्यक्ति जो ए है, ए जो है इस ओ से 3 मीटर डिस्टेंस पे है और ये जो बी है ये ओ से 4 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमने ये बात है, यहाँ ओ से 3 मीटर डिस्टेंस पे है। अब ए का कहना तो सही है कि भाई हम ओ से 3 मीटर डिस्टेंस पे हैं और हमारी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की ओर है। इसी तरह से बी भी बोलता है कि नहीं, हम भी तो सही है, हमारा 4 मीटर डिस्टेंस पे ओ से और हमारी जो डायरेक्शन है वो साउथ की ओर है। तो यहां पर एक पॉइंट ये लिखना है कि पोजीशंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पोजीशन 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट कौन सा पॉइंट हो गया? फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वर पर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा डायरेक्शंस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर कहां पे है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा हमारा डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। ठीक है, पोजीशंस के बारे में सीख लिया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो रेस्ट एंड मोशन है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? रेस्ट एंड मोशन। अब देखो यहां पे एक बात ये समझनी है कि जो रेस्ट और मोशन होता है बेसिकली ये एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब सर, ठीक है, हम ये बताते हैं। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट एंड मोशन जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति है और यहां पर एक कोई मान ली ये हमारा क्या हो गया? ट्री हो गया। एक यहां पर क्या हमने? ट्री हो गया। ठीक है, और सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया? एक बस हो गई। यहां पर कोई एक व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बंदा क्या है? ये बंदा ग्राउंड में है और ये बंदा किस पे है? बस पे है। अब देखो यहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बंदा अगर ग्राउंड में है, मतलब ग्राउंड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ऐसे समझते हैं। अब देखो, अगर कोई वस्तु या कोई वस्तु जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कि वो रेस्ट पे है। अगर कोई पोजीशन या किसी वस्तु का या किसी बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर क्या है? मोशन पे है। समझ आ रही है? वो मोशन पे है। अब एग्जांपल यहां समझ लीजिए, ये जो व्यक्ति है वो बोलता है कि पेड़ तो रुका हुआ है, अभी भी देखा वो t = 0 पे वो रुका हुआ है, t = 5 सेकेंड पे वो फिर भी रुका हुआ है,
लेकिन अब यहाँ पे जो बस है, बस क्या है, रुकी नहीं है, बस कंटिन्यू वी वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रही है। तो जो बस की वेलोसिटी होगी वही व्यक्ति की भी वेलोसिटी होगी, समझ गए। अब ये व्यक्ति क्या देख रहा है कि इस पेड़ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही है। वो देख रहा है, अभी अपना घड़ी देखा तो देख रहा है उसका टाइमिंग टी इक्वल टू 0 सेकंड में, तो ये 5 मीटर डिस्टेंस पे रहा। फिर उसके बाद उसने देखा कि यार 10 सेकंड बीत गया हमारा पेड़ से और इस हम मतलब कि इस बस से जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई। इसका मतलब ये मोशन पे है। तो यहां पर एक होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से ईट इच अदर, एंड इट इज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। ये समझ में आ गया कि रेस्ट एंड मोशंस क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हम किसके रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं तो पेड़ वहीं पर खड़ा हुआ है, हम बस के रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं पेड़ ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम ये बताते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, यहां से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक तो जनरल टर्म्स था, हमने पोजीशंस के बारे में देख लिया, रेस्ट एंड मोशंस क्या होते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक जनरल पॉइंट के बारे में देख लिया है। आगे चल के हम न्यूटन चैप्टर्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर होता है। एक तो टाइप ऑफ मोशंस क्या होते हैं हमने ये भी क्लियर किया। अब हमारा अगला टॉपिक होता है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे और इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बच्चे 10th पास आउट होके आते हैं तो उनको पता होगा, तुम सबको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट कोई पॉइंट ए हो गया और यहां पर कोई पॉइंट बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया, एक हमने पाथ ये बना दिया और दूसरा पाथ ये बना दिया और तीसरा पाथ ये बना, ये हमारा फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकंड पाथ हो गया और थर्ड पाथ हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पाथ हो गया, सेकंड और थर्ड पाथ हो गया। तो देखो अगर बंदा मतलब या एक कोई व्यक्ति है यहां से चलना स्टार्ट किया और इस वाले पाथ को वो लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलेंगे। अगर बंदा इस वाले सेकेंड वाले नंबर पाथ को चूज किया, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ही बोलेंगे। और थर्ड वाले पॉइंट पे अगर बंदा पार करता है, पाथ को कवर करता है या इस वाले रूट को वो चूज करता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, अब यहां से हम डिफाइन निकालेंगे कि डिस्टेंस इज अ, बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, कवर्ड एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात आगे समझे, मतलब कि ये भी डिस्टेंस है, ये इसको भी हम डिस्टेंस ही बोलते हैं और इसको भी डिस्टेंस बोलते हैं, बट ये वाला जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इतनी बात आगे समझ में। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को देखते हैं। हमारा एक अगला क्वेश्चन होगा कि ठीक है, हमारा एक सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मान लो सपोज दैट ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए हो गया,
ठीक है, और ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट बी हो गया, और इसकी जो रेडियस दे रखी है कितना दे रखी है, आर दे रखी है, ठीक है, 1/4, ठीक है, कवर 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये चीज बताना है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ए है, यहां से जो कोई पॉइंट ए है, इसने 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का 1/4 कवर किया हुआ है, तब हमें बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इसका देखो यहां पे एक सोल्यूशन इसका देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है, देखो जिसे मान लो यहां से पर्टिकुलर पॉइंट यहां तक पहुंचे, ठीक है, और इसका ये हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है, तो हमें पता है यहां पे कि टोटल सर्कुलर पाथ कितना होता है, बताओ, वो 2πr होता है, ठीक है, टोटल सर्कुलर पाथ कितना होता है, 2π, इसलिए 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ कितना हो जाएगा बताओ, 2πr डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, आगे बात ना सुनने, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पाई आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया इसका, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखो सबसे पहले ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी तो डिस्टेंस आर ही होगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय हम रूल को यूज कर सकते हैं, तो ये आर है और ये आर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, रूट में 2 × r हो जाएगा, तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रूट में 2 × r हो जाएगा। आगे बात सुनने, क्वेश्चन क्या है कि मान लो कोई एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये एक सर्कल है और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए है और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट बी है, ए हो गया और बी हो गया, और ये रेडी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री दे रखी है, ठीक है। अब हम फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हम छोटे लेवल से एक बड़े लेवल तक क्वेश्चंस का जो लेवल है उस तरह से बढ़ाएंगे, हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए, अब हम धीरे 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 इंक्रीज करके एक बड़े लेवल तक क्वेश्चंस को पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, अब बताना है कि ए से बी तक पहुंचने में हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक तो डायरेक्टली फार्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, एक ये फार्मूला होता है जिसको आपको याद करना होगा, हम इसका डेरिवेशंस भी बताते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। देखो इसको फाइंड कैसे करते हैं, जैसे मान लो सपोज कोई भी वेक्टर, ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, r2, और ये हमारा कोई वेक्टर r1 हो गया, ठीक है, और इसका एक रिजल्टेंट हम ये ले लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा क्या है, इस दोनों वेक्टर्स के, इस वेक्टर के हेड से और इस वेक्टर के हेड से बीच का जो डिस्टेंस है वो d दे रखा है। अब यहां पे हम वेक्टर्स का रूल अप्लाई करते हैं, देखो r1 इसका ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल को हमने ऐड किया, तो ये r1 प्लस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। अब यहां से हम d वेक्टर को फाइंड करेंगे, d वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1 वेक्टर। अब यहां पे दो वेक्टर्स का क्या दे रखा है, सबट्रैक्शन दे रखा है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे तो वेक्टर के रूल से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट r2 का होल स्क्वायर प्लस r1 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 2
आर वन आर टू और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर इसको हम आर मानते हैं तो ये भी डिस्टेंस आर होगा, तो यहाँ पे आर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस एडिंग दिस टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कितना हो जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे टू आर स्क्वायर है, टू आर स्क्वायर क्या है कॉमन है, ठीक है, टू आर स्क्वायर एंड टू आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो टू आर स्क्वायर ये हो जाएगा और ये वन माइनस कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये वन माइनस cos थीटा। तो हमें तो यहाँ पे वन माइनस cos थीटा की वैल्यू ही पुटअप करनी है, तो यहां से हम इसको लिख लेंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा टू आर स्क्वायर और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा टू आर साइन थीटा डिवाइड बाई टू। तो ये रिजल्ट जो आप उनको डायरेक्टली याद रखना है डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालते हैं। अब यहां पर एंगल कुछ भी दे दे, जनरल कुछ भी एंगल दे दे, हम डायरेक्टली फॉर्मूले पर पुट करके हम आंसर को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखी है या थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दे दिया, कुछ भी दे दे तो हम यहां से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू आर साइन 60 डिवाइड बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये टू आर साइन 30 डिग्री कितनी होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आर आ जाएगी। तो ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, करेक्ट, इतनी बात आ गई समझा गया। अब हमारा देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे है, इसी तरह से है। देखो मान लो एक पर्टिकुलर ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट ए हो गया और ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट बी हो गया, तो पार्टिकल मूव ए टू बी, मूव ए टू बी, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहां से देख लो, तो यहां से सोल्यूशन इस पर देख लेते हैं। देखो टोटल सर्कुलर पाथ कितना होता है बताओ बच्चों, 2πr होता है। अब a टू b गया, इसका मतलब वो हाफ सर्कुलर पाथ कवर किया, सो दैट हाफ सर्कुलर पाथ, सो दैट हाफ सर्कुलर पाथ कवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई 4, सॉरी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ कवर किया है ना, और इसके पिछले वाला हमने कितना कवर किया था 1/4, मतलब इसका ये 4 भाग होता है, ठीक है, 1/4 का मतलब ये चीज हो गया, हाफ का मतलब यहां से लेके यहां तक हो गया, और थर्ड फोर्थ हो तो कितना होता, ये इतना पूरा का पूरा कवर अप हो जाता, तो यहां से ये चीज कितना आ गया पाई इंटू आर आ गया। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट,
कितना हो जाएगा, अब शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही हो गया, तो ये अगर आर है तो ये भी कितना हो जाएगा आर, तो कितना हो जाएगा ये टू आर हो जाएगा, करेक्ट। ये चीज समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। इसको हम देखते हैं कि एक व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कोई एक व्हील है, ठीक है, ये मान लो सपोज दैट कोई एक व्हील है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, आर दे रखी है। मान लो सपोज दैट ये एक ट्रैक है, ये हमने क्या मान लिया एक ट्रैक है, यहां पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए है। अब देखो, अब ये जब मूव करेगी कितना मूव कर रही है, ये हाफ मतलब ये आधा मतलब पाई एंगल मूव कर रहा है, कहने का मतलब कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जब मूव करेगी आधा हाफ मूव कर रही है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट कहीं यहां पर हो जाएगा, तो केस इस तरह से बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये पर्टिकुलर पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इसके टॉप पे। इमेजिन करो कि मतलब ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट है और ये पाई एंगल घूम गया या हाफ घूम गया, तो ऐसे मूव करते 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 ये वाला पॉइंट कहीं यहां पे पहुंचेगा और ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, अब देखो मान लो कोई एक रिंग है, अगर ये कितना मूव कर रहा है, हाफ मूव कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक कि इसकी इन 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 दोनों इसके इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 2πr होता है, हाफ कर रहा है तो ये हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। तो मतलब ये डिस्टेंस हमें पता चल गया पाई इंटू आर है, यही तो पॉइंट यहां तक गया ना ऐसे मूव करके, तो ये मान लो ये वाला पॉइंट, तो ये ऐसे मूव किया तो यही वाला पर्टिकुलर पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया और ये इस तरह से घूम कर आ गया, ठीक है, ये पाई आर है, तो इसका डिस्टेंस तो हमें पता ही है, ये आर है और ये भी आर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट और इन दोनों के बीच में एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, मतलब हमें यही तो डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होता है, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होता है ना, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड कर दिया। अब ये डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ये एंगल मान लो सपोज दैट थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस कितना होता है, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और बेस, तो 2r का होल स्क्वायर, तो ये हम पहले फाइंड कर लेंगे कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यहां पर हो गया तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस दिस इज द 4, तो अगर फाइनली हम लिखे तो आर इज इक्वल टू मतलब सपोज दैट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इज पाई स्क्वायर प्लस 4, दिस द आंसर। आगे तो ये हमें डिस्टेंस पता चल गया और यही हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, समझ आ गया। अब हम दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमें अच्छे से समझ में आ गया कि पोजीशंस क्या होते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेस्ट एंड मोशंस किस तरह से कोरिलेट होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो वेलोसिटी स्पीड और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलेशन, इन सब के बेस्ड में हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।